नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पाकिस्तान के नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। 7 मुस्लिम बहुल देशों के प्रवासियों के अमेरिका में आने पर रोक लगाने संबंधी डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब अमेरिका पाकिस्तान के नागरिकों के आने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ फ्रेंस प्रिबिस ने इस ओर इशारा किया है। प्रिबिस ने कहा कि हमने इन 7 देशों को चुना तो इसकी यह वजह थी कि कांग्रेस और ओबामा प्रशासन दोनों ने इनकी ऐसे देशों के तौर पर शिनाख्त कर रखी थी कि इनके यहाँ खतरनाक आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है। प्रिबिस ने आगे कहा कि अब आप कुछ अन्य ऐसे देशों की ओर भी इशारा कर सकते हैं जहाँ समान तरह की समस्या है, जैसे कि पाकिस्तान और कुछ अन्य देश। शायद हमें इसे और आगे ले जाने की जरूरत है, परंतु फिलहाल के लिए तात्कालिक कदम यह है कि इन देशों में जाने और इनसे आने वाले लोगों की कठोरतम जांच पड़ताल की जाए। प्रिबिस ने कहा कि इस शासकीय आदेश पर बहुत सोच विचार कर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में इसका प्रचार नहीं करने जा रहे कि हमारे देश ने इन 7 देशों से आने व वहां से जाने वालों पर रोक लगाने जा रहे हैं या उनके खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के नागरिकों पर रोक लगाने की 2 वजह है। पहली वजह आतंकवाद पर लगाम लगाना, दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान ओबामा प्रशासन के समय अमेरिका से हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के नाम पर खरबों रुपए अपनी जेब में डाल चुका है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम अब तक दिखाई नहीं दिया। गौरतलब है कि ट्रंप के शासकीय आदेश के अनुसार ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया और सोमालिया के नागरिकों के अमेरिका में आने पर कम से कम 90 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आतंकवादी देशों की सूची में पाकिस्तान को भी शामिल किया जा सकता। हालांकि अमेरिका में मुस्लिम देशों से लोगों के आने पर अस्थायी पाबंदी लगाने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर वहां की एक अदालत ने आंशिक रोक लगा दी है। वहीं इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कनाडा की मस्जिद में गोलीबारी, 5 की मौत। नोटबंदी के 1 माह बाद जनधन खातों से निकाले गए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम हुए नाराज, कहा नहीं करूंगा प्रचार। कंप्यूटर केबल से गला घोटकर इंफोसिस की महिला इंजीनियर की हत्या। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, देश कर रहा है याद।